एक्चुअली राज से ज्यादा मुझे लगता है बहुत सारी अंदर की बातें आई जो जहन में थी और बहुत सारी बातें जो बहुत ज्यादा लोगों को टच कर सकती है, जो लोगों तक पहुंच सकती है, जिससे लोग सीख सकते हैं. क्योंकि क्या ना, बहुत सारा क्लटर है आजकल अनफॉर्चुनेटली. बहुत ज्यादा नेगेटिविटी, बहुत ज्यादा थॉट्स, ये वो, लोग भागते रहते हैं. आई थिंक कुछ तो मुझे लगता है कि एक अच्छी सी बात पहुंच जाए और शायद किसी का कुछ फायदा हो जाए, किसी का कुछ भला हो जाए, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन. एंड आई गेस हम बेसिक, हम कुछ ही आप देखेंगे ना थोड़े अपने, अगर आप अपने आपकी पर्सनालिटी अगर नोटिस करेंगे, हम लिमिटेड ही बातें वो हर जगह जाके करते हैं. जैसे अगर इफ वी आर वर्किंग इन टेलीविजन तो हमारी एक बेसिक 6 बातें होंगी, वही हम जाके करेंगे. तो विद दिस आई गेस हम ज़्यादा एक दूसरे से बात कर सकते हैं. एंड जो अंदर से जनरली एक द टॉपिक यू वॉन्ट टू टॉक एंड हाउ यू वॉन्ट टू टॉक एंड उस बारे में बात कर सकते हैं. स्पॉटलाइट को कितना एंजॉय, मैं कोशिश करता हूँ उससे थोड़ा दूर ही रहूँ, पर जब कोई ऐसी चीज़ होती है, कुछ ऐसा इनिशिएटिव होता है या फिर कोई ऐसी जगह होती है जहाँ आप काफ़ी कंफर्टेबल हैं या फिर यू रिस्पेक्ट समथिंग, सम प्रोजेक्ट. और मैंने पहले भी हिमांशु का टॉक शो मैंने भी पहले भी देखा हुआ है, पर आज पहली बार यहाँ आके मैं एकदम ब्लैंक आया था. टोल्ड हिमांशु हिमांशु मैं ऐसा कुछ प्रिपेयर करके नहीं आया कि हम क्या बोलने वाले, क्या नहीं करने. और हमने आई गेस हम डायरेक्ट यहीं पे मिले. सो बहुत मज़ा आया. और जब कुछ ऐसी चीज़ होती है तो उसको इन्जॉय करता हूँ. देर लॉट ऑफ बेस्ट मोमेंट्स. आप मेरे ख्याल से आप देखेंगे जब ये शो तो आपको और ज़्यादा पता लगेगा, क्योंकि हमने कुछ आज काफ़ी हमारा सेशन भी अच्छा, 1.5-2 घंटा हमारा सेशन चला. We have been shooting, talking since almost close to 2 hours. वो भी एकदम अनइंटरप्टेड चल रहा था. तो बहुत सारी चीज़ें हैं. अब सिर्फ एक चीज़ पे अगर मैं फोकस कर दूँ तो वो भी सही नहीं रहेगा. पर एक जनरली एक जनरल अच्छी बात हो रही थी जो हम बातें नहीं करते हैं आजकल, उस बारे में थी, उन टॉपिक्स के बारे में थी जो हम कभी टच नहीं करते या हम करना भी नहीं चाहते. एज एन एक्टर यू ऑल्सो हैव अ वॉल कि आप कुछ बातें करते हैं, अपने आप स्टार्डम की बात करेंगे या अपने शो की बात करेंगे या आप बात करेंगे कि जैसे हम जनरली स्ट्रगल क्या चल रहा है या एक्टिंग में रोल कैसे मिला, या कुछ 6-7 हमारी बातें हैं, हम वही करते रहते हैं. उसके अपार्ट बहुत कम होता है हम कुछ बात कर पाए. एंड आज आई गेस आज हमने वही बातें की. कॉन्ट्रोवर्सी और हमारा शो मतलब दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं है. कॉन्ट्रोवर्सी नहीं, तो मुझे कल भी एक हिचकिचाहट थी कि अच्छा मैं क्या, क्योंकि आपको नहीं पता कि नेक्स्ट मोमेंट कैसे आने वाला है. यू कांट प्लान दीज थिंग्स. तो वो एक रहता है, बट वो एज अ परफॉर्मेंस में रहता है. यहाँ पे आप एक बात करने आए हो एंड मैं ऑनेस्ट हूँ. एंड आई गेस हिमांशु ने एक वैसा एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड किया हुआ है कि आपको बहुत अच्छा, सेफ एंड नाइस लगता है. आप शेयर कर सकते हो, आपको ऐसा कुछ शो ऑफ नहीं करना है कि हाँ यार मैं आया था वहाँ पे था. सो यू नॉट दैट, यू आर रियल. एंड यही लोगों को शायद पसंद भी आता है देखना. आई थिंक सिंपल है, दिल की बात हो जाती है. सो आई गेस दैट्स इनफ. कोई ऐसे हम एंड कॉन्ट्रोवर्सी या कुछ ऐसे किया नहीं जाता, वो तो हो जाता है कई बार भी. हो सकता है इसमें भी से भी आप कुछ निकाल के कॉन्ट्रोवर्सी बना दे. प्लीज मत निकालना, आई रिक्वेस्ट यू एंड आई प्लीड यू डोंट डू दैट. इट्स गुड फॉर अस इफ यू वांट टू डू, प्लीज डू, गो अहेड. लुक मैं कुछ भी चलाना, बट आई थिंक जो शिविर ने एक बात की बड़ी अच्छी बात की थी जो मेरे दिमाग में छप गई है, दैट इज व्हेन ही टॉक्ड अबाउट दैट लाइफ इज शॉर्ट, राइट, यू शुड लिव इट एंड यू नो इट्स ऑल अबाउट मेंटेनिंग दैट बैलेंस. जिंदगी सिर्फ बैलेंस ही है. जैसे ही बैलेंस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, और हर चीज़ जिंदगी में कुछ सिखा रही है. हर इंसान जो जिंदगी में आ रहा है वो कुछ ना कुछ सिखा रहा है. राइट, एंड ही इज ट्राइंग टू हेल्प यू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ. राइट, आई थिंक दीज आर द बेसिक सो अमेजिंग थॉट्स ऑफ लाइफ. राइट, मुझे लगता है लाइफ तो देखो चल ही रही है, वो रुक नहीं सकती, पॉज नहीं हो सकती. आप जो सीखते हैं उसको आप अप्लाई कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम वो गलतियाँ हो. गलतियाँ तो होती रहेंगी, लाइफ भी चलती रहेगी. कुछ ऐसा नहीं कि रुक के अब मैं ठीक करूँ उसको, वो चल रही है, उसके साथ साथ आपको ठीक करते रहेंगे. पहली बात तो ये टीम सवाल नहीं बनाती, हम लोग सवाल बनाते हैं. मैं बनाता हूँ क्योंकि मैं एक्चुअली जानता हूँ. और हम ना क्या करते हैं, हम क्वेश्चंस जो है ना पहले से बहुत ज़्यादा माइंड में नहीं रखते. सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कॉन्वर्सेशन है ना, जितनी ज़्यादा कैंडिड हो, जितना ज़्यादा हम एक दूसरे से बात करते समय, तो आई थिंक इसमें ना लोग एक चीज़ भूल जाते हैं. मैं बताता हूँ क्या, बहुत सारे चैट शोज में सुनना, एक होस्ट के लिए सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आप जब किसी को बुलाते हैं तो आप किसी से कुछ शेयर करवा रहे हैं ना ज़िंदगी की बात, तो उनको सुनना ज़रूरी है. क्योंकि सुनने से आप केयर महसूस करवाते हैं, आपको भी केयर महसूस होती है, और फिर उसमें से कुछ ना कुछ बात निकल जाती है. और बातों बातों में हम शेयरों का भी एक जो वन लाइनर है वो यही है,
कि बातों बातों में कोई बात निकल जाए जो बात आपके जहन को टच कर जाए, इंस्टेड कि मेरे कुछ प्री कंसीव्ड क्वेश्चंस हैं और मैं चाह रहा हूँ कि वो क्वेश्चंस यू नो आप जवाब दे के ही जाए. तो इट डजंट मैटर, दोस क्वेश्चंस आर अनइंपॉर्टेंट, व्हाट यू आर फीलिंग फ्रॉम द हार्ट एंड टेलिंग इट टू मी एंड इट्स टचिंग बिकॉज यू नो वी हैव अ लाइव ऑडियंस. यही पता लग जाता है एक सेकंड में कि इफ इट्स टचिंग द ऑडियंस और इट्स नॉट टचिंग द ऑडियंस. सो दैट्स व्हाट वी लुक एंड हमने ऐसे कुछ प्रिपेयर, ये छोटा सा टिप से बाकी होस्ट के लिए, मतलब सबका नहीं ऐसा कोई टिप नहीं होता. देखो हर पहली बात तो यार मैं कोई प्रोफेशनल होस्ट, जिसको लेना चाहे ले ले बट मैं कोई प्रोफेशनल होस्ट नहीं हूँ, प्रोफेशनल एंकर नहीं हूँ. मैं शेयरिंग रोज सिर्फ इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं कुछ किसी को कंट्रीब्यूट कर सकूँ किसी के थ्रू, क्योंकि मैं सेशंस वेशंस भी करता हूँ स्कूल्स कॉलेजेस में, वट एवर, दिस इज माई जेस्ट ऑफ लाइफ. बट मुझे है कि अब मैं शिवन को सेशंस में नहीं बुला सकता ना बिकॉज ही इज ऑल्सो बिजी. सो दिस इज अ मीडियम टू एक्सप्रेस एंड यू नो सो दैट हिज थॉट्स कैन ऑल्सो रीच आउट टू पीपल, क्योंकि हर किसी की कंडीशनिंग अलग अलग है. आप मुझसे रिलेट करेंगे शायद शिवन से नहीं, या शिवन से रिलेट करेंगे मुझसे नहीं, तो सबको यहाँ बुला के उनकी बात आगे तक रखी जा रही है. एंड एक और बात भी है कि हमने जनरल कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की, हमने क्वेश्चन आंसर राउंड नहीं किया. एग्जैक्टली हमने ऐसे कुछ बात ही नहीं की, हमने जनरली बात की कि जैसे हम बोलते हैं और भाई क्या हाल है. करेक्ट, और वहीं से उसके वहीं से बात जो निकल रही थी हम वैसे कर रहे थे. हमने ऐसे कोई स्पाइसी क्वेश्चंस नहीं बनाए कि कल आपने कहाँ थे या रात को आप कहाँ पाए गए एंड ऑल दैट, ऐसी कोई चीज नहीं थी. हमारा वो इरादा या फिर कोई कभी करेंगे भी नहीं एक्चुअली. हां, या फिर किसी एक्ट्रेस का नाम लेके कि उनके साथ आप क्या क्या सीन है क्या नहीं. जनरली हम चैट शोज में देखते हैं एंड हर एक चैट शो शायद डिफरेंट है. हर एक चैट शो डिफरेंट है. आई थिंक एवरीवन नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू गिव बेसिक रिस्पेक्ट somebody whom you call. Right. सबसे ये चैट शो तो बहुत बाद में आता है, पहले मेरे लिए एक रिलेशनशिप है इसके साथ. मतलब कोई भी जो भी इस चेयर पे बैठते हैं जिनको मैं बुलाता हूँ उनके साथ एक रिश्ता है. वो रिश्ता उस चैट शो से बढ़कर है. लोगों के लिए अपना शो बड़ा हो जाता है और रिश्ता कमजोर हो जाता है. Right. ये फर्क है. ये अगर लोग समझ जाएंगे तो शायद अगर आपको उस वाले क्वेश्चन देखने हैं तो एक नया शो आएगा कॉफी विद हिमांशु. नहीं वो नहीं आएगा. कॉफी विद हिमांशु नहीं आएगा. Why not? अरे बट आई कांट हैव गुड कंट्रोवर्शियल स्टफ इन ऑल यार. शायद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डांस तो ज़रूरी है क्योंकि डांस तो करना ही पड़ेगा, लेकिन आई थिंक आपका जो आपके पार्टनर के साथ कंपैटिबिलिटी और तालमेल, आपको ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि आप किसी के साथ डांस कर रहे हो. आप कोरियोग्राफर के साथ डांस नहीं कर रहे, आप अपने पार्टनर के साथ डांस कर रहे हो. उसके उसका ख्याल रखना, उसका केयर करना, उसको बहुत सारी बार ऐसा भी होता है, मैंने देखा है लोग इतना ज़्यादा मसरूफ हो जाते हैं अपने परफॉर्मेंस के चक्कर में अपनी पार्टनर को भूल जाते हैं. कभी लड़ाई हुई है ऐसे कि डांस करते डांस के रिहर्सल से पहले रिहर्सल एक बार ही हुआ था, कुछ बांधने वाला था, हम दोनों को ना बांध दिया गया था. एंड वी वर फीलिंग वेरी क्लॉस्ट्रोफोबिक टुगेदर कॉन्स्टेंटली. वो यहाँ से भी बांधा हुआ वहाँ से, लाइक वो 3 inch का डिस्टेंस था. And we are also used to each other's space, right. Yet staying together. Right. So it had become claustrophobic. Right. And वो ये step नहीं हो रहा, वो step नहीं हो रहा, ये line नहीं आ रही, वो line नहीं आ रही. That was happening. But that's okay. We'll get that. ये मैं ऐसे पकड़ के बैठ जाता हूँ. नहीं नहीं, it's okay. So that's my tip for everyone is just you know take care of your partner because if you are in sync with your partner, डांस तो अपने आप अच्छा हो ही जाएगा. वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. लोग डांस की तरफ ध्यान देते हैं और पार्टनर को भूल जाते हैं, लेकिन नच बलिए है, अकेले नहीं करना है. पहले मैं ऑफकोर्स शिवन को जानता था, हम मिले, हमने बात भी की. आई थिंक वो किसी बुक लॉन्च पे हम दोबारा मिले थे ना, अच्छे से जब कॉफी का प्लान बन रहा था दोबारा बना नहीं बन पाया उसके बाद. बट क्या होता ना, तब जान पहचान थी. मुझे लगता है आज एक दूसरे के साथ बात करके एज अ पर्सन वी नो मोर एंड एज अ पर्सन आई थिंक द बॉन्ड हैज बिकम स्लाइटली बेटर एंड वेरी थिक ऑल्सो बिकॉज व्हेन यू शेयर योर लाइफ विद समबडी तो जैसे यू शेयर्ड सम सीक्रेट्स, आई शेयर्ड व्हाटएवर आई फेल्ट, तो एक ऑटोमेटिकली कनेक्शन बैठ जाता है. एंड आई फेल्ट वेरी कनेक्टेड टुडे, मोर कनेक्टेड. थैंक यू, थैंक यू. देयर वाज अ कनेक्शन बिफोर बट आई थिंक इट हैज क्रॉस्ड टू अनदर लेवल नाउ, व्हिच इज सो नाइस. आई एम रियली रियली हैप्पी. दैट्स व्हाई इट्स शेयर एंड ग्रो. दैट्स व्हाई शेयर एंड ग्रो. माय डेफिनेशन ऑफ शेयर एंड ग्रो इज जब तक हम किसी से बात नहीं करते, किसी से हमें पता नहीं होता इंसान कैसा है, वी कांट शेयर एंड डेफिनेटली वी कांट ग्रो. ग्रो एज इन आपके एक्सपीरियंसेस में, आपकी थॉट प्रोसेस में. So I guess it's a really nice initiative by Himanshu. And ये बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आज.